वफा समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली हवाई और ड्रोन हमलों में नुसीरत शरणार्थी शिविर में 3 लोग और गजा शहर में 2 लोग मारे गए हैं, जिससे अब सोमवार को ही गजा में मरने वालों की संख्या कम से कम 34 बताई जा रही है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ओसामा हमदान ने एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी को बताया, फिलिस्तीनियों के खिलाफ हमलों को रोकना उदारता नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन ने फिलिस्तीनियों से गजा में स्थायी युद्ध विराम की मांगों पर लड़ाई में 40 दिनों के विराम के इसराइल के प्रस्ताव को स्वीकार करने का आग्रह किया। गजा में संघर्ष विराम के लिए इसराइल के साथ समझौता करने के लिए हमास पर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने कहा है कि इसराइल ने जो शांति प्रस्ताव दिया है वो दरियादिल है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के एक अधिकारी ने कहा उन्हें इसराइल की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव से कोई खास दिक्कत नहीं है। हालांकि मतभेद की एक वजह हमास का पूर्ण संघर्ष विराम की मांग है। हमास चाहता है कि स्थायी संघर्ष विराम के साथ गजा में युद्ध पूरी तरह समाप्त हो, इजरायली बल वापस लौट जाए। वहीं इजरायल कुछ समय के लिए लड़ाई रोकने पर जोर दे रहा है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि शांति समझौते की नई भाषा जो निहित शांति की बहाली का आह्वान करती है, इसी के जरिए स्वीकार्य समझौते तक पहुंचा जा सकता है। हमास का एक समूह सोमवार को वार्ता के लिए मिस्र पहुंचा था। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है हमास का समूह शांति वार्ता में शामिल होने के लिए मिस्र पहुंचा या नहीं। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गजा में शांति समझौते को लेकर अरब नेताओं से चर्चा की। इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि उसने आयता अल शाब क्षेत्र में सक्रिय एक हिजबुल्ला आतंकी को सैन्य भवन में प्रवेश करते हुए पाया और लड़ाकू विमानों से हमला कर उसे मार भी डाला। गहराते संकट के बीच अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सोमवार को पश्चिम एशिया पहुंचे। यहाँ उन्होंने अन्य विदेश मंत्रियों से गाजा में मानवीय तबाही कम करने के लिए उन्होंने इसराइल से इस पर ध्यान देने का आग्रह किया। इसराइल ने हमास की शेष सेनाओं को नष्ट करने के लिए गाजा में व्यापक आक्रमण शुरू करने की कई हफ्तों से धमकियां दी है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास, जिन्होंने एक दिन पहले ही WEF पैनल के दौरान बात की थी, उन्होंने कहा अमेरिका एकमात्र सक्षम देश था जो रफा पर इसराइल के लंबे समय से आशंकित इन आक्रमणों को रोकने में सक्षम था। वर्तमान में 1.5 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी यहां पे रह रहे हैं। अब्बास ने कहा रफा पर केवल एक छोटा सा हमला फिलिस्तीनी आबादी को गजा पट्टी से भागने के लिए मजबूर कर देगा और फिलिस्तीनी लोगों के इतिहास में सबसे बड़ी तबाही ये साबित होगी। ब्लिंकन ने कहा कि गाजा के लिए एक दिन की योजना के लिए तैयार रहने की जरूरत है, जिसमें सुरक्षा, शासन और प्रशासन और मानवीय और पुनर्निर्माण की जरूरतों के बारे में ध्यान दिया जाए। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी इस सबके बीच में हम आप तक जरूरी मुद्दे पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।